देहरादून में नगर निगम शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसके लिए नगर निगम की एक टीम भी गठित की गई है। मेयर सुनील उनियाल ने बताया कि नगर निगम लोगों को जागरूक करने के लिए कपड़े के थैले भी बांट रहे हैं। साथ ही बताया कि क्षेत्र में पॉलिथीन पूरी तरह से बंद नहीं हो पाई है। अभी भी बाजारों और सब्जी मंडियों में दुकानदार पॉलिथीन का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नगर निगम ऐसे लोगों का चालान काटेगा। नगर निगम का अभियान भी चलता है और लगातार हम भी जनता से अनुरोध करते हैं, हम इसके कपड़े के थैले भी बांटते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। उसके बावजूद भी अभी पॉलिथीन में 100% उसमें प्रतिबंध नहीं लगा है और बाज़ारों में पॉलिथीन जो है अभी भी सब्जी हो या कुछ भी हो तो वहाँ अभी बिक रहा है। लगातार हम चालान करते हैं, पिछले हफ्ते भी जो है हमने मंडी में जाके जो है बड़े बड़े चालान करे हैं और इसके लिए भी दोबारा से जो है एक सघन अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएंगे तो इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के जो दुष्परिणाम हैं जानकारी होने के बावजूद भी जो है लोग उसका प्रयोग करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करने से हम कई घातक बीमारियों से भी बच सकते हैं।